भ्रष्टाचार निवारण समिति की बैठक आईजी जे रविंद्र गौड़ की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान जे रविंद्र गौड़ ने कहा, सरकार ने इस समिति का गठन इसलिए किया है कि जो विभागों में भ्रष्टाचार होते हैं उस पर रोक लगाया जा सके, क्योंकि अक्सर वहीं पर काम करवाने जाओ तो बिना सिफारिश के काम नहीं होता है। वहीं इस अवसर पर दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा कि कोई भी काम कराने जाओ तो बिना लेन देन के काम नहीं होता है और बिना सिफारिश के कोई सुनता नहीं है। इन सभी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए कोई भी नौकरी हो, लोग सिफारिश से नौकरी पा जाते हैं, जबकि जो लोग पढ़ रहे हैं वो नौकरी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सिफारिश नहीं होती है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। यह सब कार्य प्रशासन ज़रूर करे और समिति को भी इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। इस अवसर पर SP रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह, पार्षद प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया के द्वारा हो सकता है, जब ये प्रचार प्रसार संभव हो जाएगा, लोगों तक जन जन तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी, तो निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी। अभी मैंने देखा है कि विगत वर्षों में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो भ्रष्टाचार निवारण संगठन है इसका विस्तार भी किया है, अन्य कई जिलों में इसकी शाखाएं भी स्थापित होने जा रही है। तो जब सरकार एक ऐसी सरकार आई है जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, तो अधिकारीगण से भी हम लोगों की उम्मीदें बन जाती है और अधिकारियों की नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, नियुक्ति में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे IAS के और तमाम एग्जाम होते हैं तो प्री और मेंस के एग्जाम होते हैं, उसके बाद कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जब वाइवा होता है, जब उनका टेस्ट होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सोर्स और तमाम चीजें की पैरी मिल जाती हैं। तो ऐसे अगर उसमें पारदर्शिता नहीं होगी नियुक्तियों में, और तमाम नियुक्तियां चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, नियुक्तियां जब सिफारिश के बल पे होगी तो भ्रष्टाचार पर लगाम ही लगेगा। इस पे भी सरकार को एकदम सोचना चाहिए, हमारे वरिष्ठ जनों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार ने आप लोगों को सैलरी दे रही है और इसी कार्य के लिए दे रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों के लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ अरमान बिकते हैं, तुम दाम दो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं।